friends, how are you? I hope you all are well. Now let's start your first chapter. And your first chapter name is A Green World. Okay? यानी कि एक हरी दुनिया. Okay? और इस हरी दुनिया में कौन-कौन लोग आएंगे? तो ये जो भी आपके आसपास जो भी हरे पेड़ पौधे छोटे बड़े है ना strong, weak, जो भी जितने टाइप के जो भी आपके पौधे दिखाई दे रहे हैं ये दुनिया क्या कहलाती है एक ग्रीन वर्ल्ड कहलाएगी है ना क्योंकि ये सभी के सभी हरे होते हैं इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे अ ग्रीन वर्ल्ड ओके एक हरी दुनिया तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर इसी पे है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि इस ग्रीन वर्ल्ड से हमें बहुत सारे हेल्प्स जो है हमें मिलते हैं ओके तो यहाँ पे सबसे आपके इस फर्स्ट चैप्टर में एक छोटा सा सुंदर सा पोयम दिया गया है जिसे लिखा है एलाइस हॉफमैन ने ओके तो आइए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं और आप लोग भी अपने बुक में खुद से इसे पढ़ेंगे ओके तो यहाँ पे कह रहा है कि आई कैन नॉट डिग अ ग्रेट बिग होल ओके हम जो मैं है ना यानी कि आप ओके मैं जो है एक बड़ा होल को डिग नहीं कर सकता ओके बट आई कैन मेक अ लिटिल होल लेकिन मैं एक छोटा सा होल छोटा सा छेद जो है कर सकता हूँ ओके एंड सेट अ ट्री इन टू इट और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ एक पेड़ को हम उसमें लगा सकते हैं एक पेड़ उगा सकते हैं जैसा कि यहाँ पे एक सुंदर सा बीज है वो यहाँ पे लगाया गया है बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ है ना और एक पेड़ जो है सेट कर सकता हूँ ओके एंड आई एम गोइंग टू डू इट और मैं ये करने जा रहा हूँ ओके मैं ये क्या कर ये जो है मैं करने जा रहा हूँ ओके देन इन द लिटिल होल आई विल ड्रॉप अ स्मॉल सीड ब्राउन एंड शाइनी एंड दैट वे आई कैन प्लांट अ ट्री ऑल्दो आई एम सो टीनी ओके यहाँ पे कह रहा है कि और मैं इसके लिए क्या करूँगा एक जो है छोटा सा सुंदर सा चमकीला बीज लूँगा और जो भी मैंने छोटा सा लिटिल होल बनाया है उसमें उसको डालूँगा ओके और इस तरीके से बस ये काम करके मैं क्या कर दूँगा एक जो है पेड़ को प्लांट कर दूँगा एक पेड़ मैं लगा दूँगा और मैं जबकि इतना छोटा हूँ सोच सकते हैं एक पौधे को लगाना कितना जो है सिंपल वर्क है छोटा सा आप होल बनाएंगे उसमें एक जो भी आपके पास जिस पौधे का बीज है आम का होगा पपाया का होगा है ना और बनाना का तो बीज होता नहीं है ओके बनाना का नहीं होता है बाकी जो है गेहूँ चावल इसका कोई भी आपके पास बीज होगा आप उस होल में जो भी आपने टीनी होल बनाया है उसमें आप डालेंगे और इस तरीके से एक पौधे हम लोग क्या कर देंगे लगा देंगे तो देख सकते हैं आप इतने छोटे हो आप भी ये काम कर सकते हो है ना आप एक बीज लेंगे एक छोटा सा होल बनाएंगे उसमें क्या कर तो यानी कि इस पोयम से बस यही बताने की कोशिश की गई है कि एक पौधे को लगाना बहुत ही आसान है ओके भले उसके बाद से उसका देखभाल करना पड़ेगा तभी वो पौधा बड़ा होगा वरना जो है अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे तो वो जो है पौधा बड़ा नहीं होगा वो क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा मर जाएगा ओके यहाँ पे कह रहे हैं कि वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस हम जो है अपने चारों तरफ हमें पौधे क्या होते हैं दिखाई देते हैं दे मेक अवर वर्ल्ड कलरफुल और ये हमारी जो भी ये पूरी दुनिया है जिस पे हम लोग रहते हैं ये पौधे हमारे फूल पौधे ये क्या करते हैं कलरफुल बनाते हैं उन्हें है ना सुंदर जहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं वो जगह देखने में कितनी सुंदर लगती है ओके तो पेड़ पौधे ये क्या करते हैं हमारे जो भी हमारी जो दुनिया है उसे कलरफुल बनाते हैं ओके रंगीन बनाते हैं उसे ओके तो आई होप आप लोग को ये आपका जो भी ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज था वो समझ में आ गया होगा अब हम लोग चलेंगे आपके इस चैप्टर के सेकेंड पेज की तरफ और आप देख सकते हैं आपका जो सेकेंड पेज का फर्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लांट्स है ना यानी कि ये जो ग्रीन वर्ल्ड है पौधों का जो पौधों के हरे भरे पौधों की जो हरी दुनिया है उसमें कितने प्रकार के पौधे होते हैं उनके बारे में आप जानेंगे ओके तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस पौधे जो है अलग अलग आकार के अलग अलग साइज के होते हैं है ना यानी कि छोटे बड़े किसी के पत्ते चौड़े होते हैं किसी के पत्ते पतले होते हैं ओके तो अलग अलग शेप्स के अलग अलग साइज के हमारे जो है पौधे होते हैं ओके जिसमें यहाँ पे आपका जो पहला दिखाया गया प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेज पौधे जो है अलग अलग साइज के होते हैं जैसे कि यहाँ पे आपने कोकोनट का पेड़ देखा होगा वो कितना लंबा होता है ना
ओके इसके अलावा यहाँ पे जो कैक्टस यानी जो नागफनी होता है वो कितना छोटा होता है, और रोज का भी आपने पौधा देखा होगा वो जो है वो भी छोटा होता है ओके लेकिन सबसे छोटा हमारा कौन है इसमें कैक्टस है, और सबसे बड़ा कौन सा प्लांट होता है तो आपका कोकोनट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइजेज के जो है आपको पेड़ देखने को आपको मिल सकते हैं। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा कितना ज़्यादा बड़ा होता है ओके, आम का पेड़ भी बड़ा होता है ओके, तो सब एक साइज़ के नहीं होते, एक बराबर नहीं होता ओके, सब अलग अलग साइज़ के आपको पौधे जो है आपके घर में आपके आसपास जो है दिखाई देते होंगे, यानी कि पौधे क्या होते हैं अलग अलग साइज़ के होते हैं ओके। नेक्स्ट उसके बाद से है आपका कह रहा है कि सम प्लांट्स ग्रो बिग, कुछ पौधे बहुत बड़े होते हैं ना धीरे धीरे, वो क्या होते हैं कुछ पौधे हम लोग जब बीज लगाएंगे तो छोटे से उसमें पौधे निकलेंगे लेकिन कुछ दिनों बाद वो पौधे क्या हो जाएंगे बहुत बड़े हो जाते हैं ओके। सम प्लांट्स रिमेन स्मॉल, और कुछ पौधे जो है वो छोटे ही रह जाते हैं ओके। ट्रीज आर बिग प्लांट्स, जो है पेड़ हमारे क्या है बड़े पौधे होते हैं ओके, पेड़ क्या है बड़े पौधे हैं। दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, वो क्या होते हैं लंबे और बहुत ही मजबूत होते हैं, है ना, पेड़ क्या होते हैं बहुत ही लंबे और बहुत ही मजबूत होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें क्या बोलते हैं बिग प्लांट्स बोलते हैं ओके, और हम लोग उसे स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हैं टॉल भी कह सकते हैं ओके, क्योंकि ये सभी की सभी चीज़ें हमें जो भी आपके पेड़ हैं बिग प्लांट्स हैं उसमें देखने को मिलते हैं, उसे ही हम लोग ट्री कहते हैं। आपने नीम का पेड़ देखा होगा वो बहुत ही बड़ा होता है ना, और बहुत ही लंबा भी होता है, और क्या होता है स्ट्रॉन्ग यानी उसकी तनाएँ बहुत ही मजबूत होती हैं ओके। और यहाँ पे मैंगो का भी आपने पेड़ देखा होगा, आम देखा होगा उसमें इतने बड़े बड़े पीले पीले आम होते हैं, उसमें पत्ते भी होते हैं, और इसके अलावा वो स्ट्रांग भी होता है टॉल भी होता है ओके। अशोक का जो पेड़ है वो भी टॉल होता है स्ट्रांग होता है, और ये जो भी यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं टॉल एंड स्ट्रांग प्लांट्स आर टॉल ट्रीज, और ये जो लंबे और जो भी मजबूत पौधे आपको आपके आसपास दिखाई देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे ट्री कहेंगे। अगर आप लोगों से कोई ट्री की परिभाषा पूछे डेफिनेशन तो आप लोग क्या बोलेंगे टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज ओके। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि सम प्लांट्स आर वीक, और कुछ पौधे क्या होते हैं कमजोर होते हैं ओके। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वो जो है इतने वीक होते हैं कि वो खुद से सीधा खड़े नहीं हो पाते हैं ना, यानी आप लोग देखे होंगे जो लोग कमजोर होते हैं वो खुद से सीधा नहीं खड़े हो पाते, उनको खड़े रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत होती है तभी वो खड़े हो पाएंगे ओके। तो ऐसे भी पौधे हमारे चारों तरफ मौजूद हैं जो बहुत ही उनकी तनाएँ पतली सी होती हैं, वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं ओके। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड, है ना, उन्हें खड़े रहने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है सपोर्ट की, किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, किसी डंडे के सहारे दीवाल के सहारे वो जो है पौधे खड़े हो पाते हैं, और इस तरीके के पौधे को इस टाइप के पौधे को हम लोग क्या कहते हैं क्लाइंबर्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, है ना, जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और जो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं इस तरह के पौधे को उनको जो है खड़े रहने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों को हम लोग कहते हैं क्लाइंबर्स यानी कि चढ़ने वाले पौधे ओके। और इसमें आपका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेप वाइन, अंगूर की जो लता होती है उसको कैसे चढ़ाया जाता है दीवाल के ऊपर, उसको कैसे उगाया जाता है आप लोगों ने देखा होगा ओके। और यहाँ पे स्वीट पी जो मटर है उसको भी चढ़ने के लिए, जो भी आप मटर खाते हो ना मटर, तो वो जो भी जिस पौधे से आता है वो भी उसको भी खड़े रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है ओके। इसके अलावा जो सेम का पौधा होता है बीन, ये भी इसको भी खड़े करने के लिए इसको क्या ज़रूरत पड़ती है, इसकी उसको जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसीलिए ये जो है क्लाइंबर्स कहलाते हैं यानी ये चढ़ चढ़ के उगते हैं इसीलिए इनको क्लाइंबर्स जो है कहा जाता है ओके। और क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड, क्लाइंबर्स को खड़े रहने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ती है ना, बिना सहारे के वो खड़े नहीं हो पाते क्योंकि वो वीक होते हैं, इनकी तनाएँ क्या होती हैं कमज़ोर होती हैं ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लाइंबर्स और ट्री बिल्कुल समझ में आया होगा।
तो आप लोग इसका एग्जाम्पल भी जरूर याद कर लेंगे, है ना, अपने बुक्स में उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको याद कर लेंगे, है ना, क्लाइंबर्स का, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल और ट्री के एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके अगले पेज पे, आपके पेज चैप्टर फर्स्ट के थर्ड पेज पे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पेज का जो फर्स्ट यहाँ पे लाइन है, कह रहे कि सम प्लांट्स ग्रो स्ट्रेट और कुछ पौधे जो है बिल्कुल सीधे खड़े उगते हैं, है ना, यानी उनको किसी, उनको खड़े होने के लिए सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि यहाँ पे कोकोनट जो भी नारियल का पौधा होता है ना, और ये पाइन, ओके, देवदार का जो पौधा होता है, पाल्म, है ना, जो ताड़ का जो पौधा होता है, ओके, तो इन सभी को खड़े रहने के लिए किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, है ना, ये बिल्कुल सीधे जो है ये स्ट्रेट खड़े रहते हैं. ओके, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे कह रही कि सम प्लांट्स ग्रो स्ट्रेट एंड देन स्प्रेड आउट. ओके, कुछ पौधे जो है वो सीधे बिल्कुल उगते हैं, उसके बाद से वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, है ना, ये तो सीधे उगते हैं और इनमें ऊपर थोड़ा बहुत ये पत्ते ऐसे लगे होते हैं. आपने नारियल का पौधा देखा होगा, अगर ये पाइन, ये बिल्कुल सीधे होते हैं, ये उतने ज़्यादा स्प्रेड नहीं होते. ओके, और इसके अलावा यहाँ पे जो पाल्म है, यानी जो ताड़ का पेड़ होता है, जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में तरकुल भी बोलते हैं, ना, तो ये भी बिल्कुल सीधा होता है और ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ये फैला नहीं होता. लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं नीचे कि कुछ पौधे जो वो स्ट्रेट तो उगते हैं और उसके बाद से ये ऊपर जाके क्या होते हैं, बिल्कुल फैल जाते हैं. ओके, तो इस तरीके के पौधे, पौधों के यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. कह रहे हैं कि देख सकते हैं जो बनियान ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, वो बिल्कुल कितना ज़्यादा फैला होता है, बहुत दूर में, है ना, ज़्यादा दूर में फैला होता है, इतना बहुत. अगर शैडो की बात करें, अगर हम लोग छाया की बात करें, अगर इसकी परछाई की, तो ये जो है इस पौधे की बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी, है ना. और वहीं कोकोनट और पाल्म का जो पेड़ होता है, उसकी उतनी ज़्यादा जो है शैडो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैला होता है ऊपर की तरफ, तो इसकी जो भी शैडो होती है, जो छाया होती है, परछाई होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है. ओके, और यहाँ पे मैंगो की भी अगर हम लोग बात करें, ये बनियान से कम फैला होता है, लेकिन ये भी जो है स्प्रेड होता है. ओके, जितना आपका जो भी आम का पेड़ है, वो जितना ज़्यादा ज़्यादा साल का होगा, जितने ज़्यादा वो बढ़ेगा, वो बिल्कुल फैलते जाता है ना ऊपर की तरफ, ये स्प्रेड आउट होते जाता है. और यहाँ पे गुलमोहर का जो पेड़ होता है, वो भी बिल्कुल जो है स्ट्रेट होता है, और ये भी ऊपर की तरफ जाके ये स्प्रेड हो जाता है और ये बिल्कुल फैल जाता है. ओके, तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि सम प्लांट्स ग्रो स्ट्रेट एंड देन स्प्रेड आउट, है ना, कुछ पौधे जो है वो बिल्कुल सीधे उगते हैं और ऊपर से जाके उसकी पत्तियां, बहुत ज़्यादा पत्तियां, ब्रांच, उसकी शाखाएं निकल जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है. और एग्जांपल में आपका ये बनियान है, मैंगो है और गुलमोह है. होप आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है कुछ पौधे जो है ग्रो होके वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं. यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा. और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी वीडियोस आपके बुक के सभी वीडियोस आप लोगों को बिल्कुल समय से मिल जाए. ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.